क्रिकेट के अंदर बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सारी याददाश्त का नाम है कि मैं कैसे ग्रिप करता हूँ, कैसे बॉल करता हूँ, ये सारी बातें जो हैं ये इसका बड़ा ज़रूरी हिस्सा। तो अल्लाह का ये शुक्र है कि मुझे अभी तक याद है कि मैं कैसे बॉल पकड़ता था, कैसे करता था। ये उस वजह से ही मतलब मैं खुद हैरान हूँ कि जो भी जितनी भी बॉलिंग मैंने की कोई फुल टॉस नहीं हुआ, कोई पीछे नहीं गिरा बॉल। तो ये ब्लेसिंग है, ये अल्लाह पाक का। तो क्रिएशन होनी चाहिए, क्रिएटेड माइंडेड लोग होने चाहिए जो कुछ कर सकते हैं, जिन्होंने करके भी दिखाया, उन लोगों से मतलब ये फ़ायदा नहीं लेते। मैंने आपके सामने शाहिद अफरीदी को यहाँ पे जब मैं चीफ सेलेक्टर था तो मैंने उसको फिंगर की गुगली बताई थी, उसके बाद तो वो भूल गया, क्योंकि वो जो आदमी भी जो है वो पहले शुरू में कहता रहा, लेकिन बाद में उसने कहा कि नहीं जी वो मैंने वीडियो बनाई, ये किया वो किया, तो जो भी उन्होंने किया। लेकिन मैंने अपनी ऑनेस्टी हमेशा रखी, शाहिद अफरीदी हो, दानिश कनेरिया हो, मुश्ताक अहमद हो, सकलैन मुश्ताक हो, कोई भी हो, ये इस बाद में अगर शेन वॉन भी आया, कुंबले भी आया, पीटर स्टेइंग, मिकल्स, जितने लोग भी आते हैं हमारे मुल्क के पूरी दुनिया के, और वाज़े फ़र्क है। जितनी मैं करंट डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हूँ, जितनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हूँ, इतना फ्लाइट गेम और इतनी डिसेप्टिव फ्लाइट मैंने अभी तक किसी बॉलर की नहीं खेली। मैं शेन वॉन को खेला हूँ, कुंबले को खेला हूँ, मुरलीधरन को खेला हूँ, लेकिन जो एयर में रेवोल्यूशन है, क्रिकेटर्स स्पेशली स्पिनर्स इस बात को समझेंगे, जो एयर में बॉल रोटेशन है जिस तरह की, मुझे नहीं याद कि मैंने ज़िंदगी में खेली। जो मैं पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला था तो वो हमारे कोच थे, कादर इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, तब भी ये नेट में बॉलिंग करते थे और उस वक्त टीम में दानिश भाई भी थे, तो इनके बाद वो बहुत इजी लगता था उनको। और आज इतने सालों बाद उन्होंने गेंद के आप देखे, अभी तक एक बॉल ना शॉर्ट पिच हुआ और ना ही अपनी लेंथ से हटाए, ना भी फुल टॉस हुआ। सो ग्रेटनेस इज़ विद इन, अल्लाह की देन ऐसी है उनको, और अगर इनसे हम फ़ायदा नहीं उठाते हमारे मुल्क में स्पिनर्स के लिए स्पेशली, तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी बैड लक है। आई थिंक